अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें अयान को। मेरे पास मैसेज आया था कि अयान अयान इधर 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 खड़ो जाओ। मेरे पास मैसेज आया था कि कराची में हो रही है बारिश। चलो अयान कोई सॉन्ग सुना दो आज बारिश के मौसम में, सुना दो। ये मौसम की बारिश सुनाओ, चलो। ये बारिश की बूंदे तुझे तो ढूंढे, ये देखो हमारी ईमान। हाय कर दो, पानी जा रहे। मिठू को तो रखो अंदर ईमान, अंदर रखो ना मिठू को। नहीं मुन्ने, इसको सर्दी लग रही होगी। ये बारिश की बूंदे इधर हाथ धोए। बारिश के दिन आए, सुनाओ यार कोई गाना अच्छा सुनाओ मेरे बेटा अपने व्यूअर्स को। अले मुझे मारवे, अले मुझे जोगे, अले मुझे मारवे, अले मुझे जोगे, अले अच्छा बारिश में एंजॉय कर रहे हो आप? इधर बताओ तो बारिश में एंजॉय कर रहे हो? हाँ, कितना कर रहे हो? अच्छा अपने घर तो बंद है तो बारिश जो है पता ही नहीं चलती, और बाहर से ही पता चल रही है बारिश की बारिश हो रही है क्योंकि घर बंद है। मैसेज आया मोबाइल पे है। अच्छा तेज हो गई, इतनी बड़ी हो गई। अच्छा अच्छा ये कहाँ जा रहे हो? बच्चे जा रहे हैं एंजॉय करने, तो चले लाफिज़ जी। तो फ्रेंड्स अयान बाहर चले गए थे मम्मा को पापड़ का ऑर्डर देखकर, और यहाँ पर चल रहे थे बरसात के सॉन्ग, तो इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। बराबर वालों के जो है सॉन्ग्स चल रहे थे, बरसात के दीदाए और कौन कौन से पता नहीं जो मैंने शुरू में आपको सुनाया वो वाले, और पुराने काफ़ी पुराने पुराने सॉन्ग चल रहे थे तो वो लोग सुन रहे थे, तो फिर इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की। यहाँ पर मेरे पापड़ बन चुके थे और यहाँ पर मैंने तो अपने पापड़ पे केचप लगा के और जो है उसको सर्व किया, और अयान ने वैसे ही बस खा लिए और बहुत इंजॉय किया। फिर मैंने बनाई चाय और मैंने आज चाय थी कलेजी, तो बारिश का हाल दिखा फिर उसकी वीडियो में शूट करना जो है भूल गई। और मगरिब हो गई है, बाहर का व्यू अभी इस वक्त हो रही है मगरिब, और अब इस वक्त हो रही थी अज़ान, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई फ्रेंड्स आप लोग के साथ। और यहाँ पर देखें हमारा घर गीला गीला हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, पानी सीढ़ियों से भी आता है सीढ़ी से और बाहर गेट से भी, तो यहाँ दोनों की शरारतें देख। यहाँ पर बच्चों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा तंग करते हैं, ये देखें चार सूट बदल चुका है यहाँ। आप लोग पांचवा सूट पहना है, नहाते जा रहे हैं सर्दी में और इतना सही नहीं है। बाइक चाहिए, अच्छा चले मैं अभी आपको देती हूँ जी। तो यहाँ बन गई थी मेरी चाय, और चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और ये प्याले में आपको नजर आ रही होगी क्योंकि मैं जल्दी ठंडी की वजह से पी लेती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी अम्मी ने भेजे हैं पापड़ पकोड़े और ये चटनी। बड़ी अम्मी ने भेजे हैं, अम्मी ने भेजे हैं। बारिश को हम एंजॉय कर रहे हैं, प्रेनिंग डे। आज तो मज़ा आ गए हमारे। और दूसरी भाभी ने भेजे हैं दही बल्ले, तो आज तो हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा पेट इसी से फुल हो जाएगा, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग शाम से और सर्दी का मज़ा ले रहे हैं, तो आ जाए हमारे साथ इसको खाने हैं। मेरा बच्चा, फिर आप नहीं जाओ ना, ठंड से हो रहा है वो दर्द आपको, बारिश में सुबह से नहा रहे ना, आपको भी लग गई अल्लाह। तो चले हम इंजॉय करते हैं और खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, ये मेरी चच्ची सास ने मेथी का पराठा बनाया था और रेड वाली चटनी, तो रात के 3 बज रहे हैं और मैं लाइव में आई हुई थी जरी भाई की, तो फिर मुझे लगी भूख तो मैंने बनाई अपनी चाय इस थर्मोस में, और फिर मैंने जो है चाय तो पी ली थी।
चाय मैंने पहले ही पी ली थी, फिर मुझे याद आया कि पराठा भी रखा हुआ था, मुझे लगी थी भूख क्योंकि मैंने रात में खाना सही से नहीं खाया था, 6 बजे खा लिया था कुछ इस तरह शाम के, तो फिर बस भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलिए चच्ची सास ने पराठा जो भेजा हुआ है मेथी का वही खा लेते हैं, साथ में उसकी चटनी है, और मैं गर्म करने लगी थी तो गैस ही नहीं आ रहा है, तो अब मुझे ठंडा ही खाना पड़ेगा और बहुत मज़े का ये तो फ्रेंड्स मैं खा चुकी थी खाना। तो फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जो है फिक्सर का बताएं, मेकअप फिक्सर का, हम जो है आई मेकअप करने के बाद अपने फेस पर फिक्सर करें जैसे कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और मेकअप सेट हो जाए बिल्कुल और बेस भी ख़राब ना हो, तो वो कौन सा है, तो ये वाला है ग्लैमर्स का, और ये ग्लैमर्स का ओरिजिनल है फिक्सर और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है माशाल्लाह से, और ये बहुत वर्क करता है फेस पर, और ये इसका स्टिकर लगा हुआ होता है तो ये समझो आप रियल है, और जिस पे स्टिकर नहीं होगा तो ये जो है फेक होगा यानी कि नकली होगा। और आपको मैं बता दूँ ये ऑयल कंट्रोल है और ये बहुत अच्छा फिक्सर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जो है 12 hours ये चलता है। फिर मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।